हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थिएटर व्लॉग्स। वेल फ्रेंड्स, बहुत महीनों से मैं आप लोगों को मुंबई के व्लॉग्स दिखा रहा था और बैंगलोर में मैंने व्लॉग करना एकदम बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो मैंने सोचा इस हफ्ते ज़रा चेंज के लिए मैं बैंगलोर में व्लॉगिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैसूर रोड में विनायक थिएटर और रंगनाथ थिएटर। यस फ्रेंड्स, ये दो थिएटर है लेकिन सबका नाम विनायका ही है। मुझे जो फिल्म देखनी है वो रंगनाथ थिएटर में है, तो मैं आप लोगों को वही थिएटर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे इम्पीरियल रेस्टोरेंट में, यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। अनफॉर्चुनेटली खाना नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को, पार्सल लेने बैठा हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं थिएटर विनायक और रंगनाथ यहाँ पे मैसूर रोड बैंगलोर में। बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलूँगा आपको इस व्लॉग के बाद, सो कीप वॉचिंग। तो दोस्तों, जैसे देख सकते हो ये है विनायका थिएटर। 10:30, 1:30 बजे, 4:30 बजे और 7:30 बजे यहाँ पे 4 शो होते हैं। विनायका थिएटर मशहूर है फ्रेंड्स यहाँ बैंगलोर में, वो सिर्फ तमिल फिल्में लगाता है। यस फ्रेंड्स, वो सिर्फ तमिल मूवीज़ लगाता है। अभी यहाँ पर विजय सेतुपति की कारुपन लगी है और दूसरे रंगनाथन थिएटर में हर हर महादेव की लगी है। वेल फ्रेंड्स, पहले थिएटर में AC नहीं था लेकिन अभी अभी रेनोवेट हुआ है और अब यहाँ पर फ्रेश AC लगाया है। इसे देख सकते हो यहाँ पे पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू खाना बिल्कुल मना है। और ये बहुत ही बड़ा थिएटर है फ्रेंड्स, देखो लिखा है विनायका यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सी जगह इन्होंने यूटिलाइज़ नहीं की है, झाड़ उगने दे दिया है और जितने भी पोस्टर्स है बैम्बू पे वो झाड़ों पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये मेन रोड से बिल्कुल सट के है, सिटी मार्केट का जो ब्रिज है जिसे आप देख सकते हो वहाँ से थिएटर आपको दिख सकता है। बात करें इसके टिकट रेट की तो फ्रेंड्स, रंगनाथा का प्राइस है सिर्फ 80 रुपये का, बस 80 रुपये में आप पूरी फिल्म देख सकते हो। और विनायका की बालकनी है 120 और स्टॉल है केवल 100 रुपये का, और क्या चाहिए मेरे भाई। तो फ्रेंड्स, चलो ये थिएटर ज़रा बाहर से देखते हैं किस तरह लगता है। वाओ, मैं को पता है कि आपके शहर में इतना थिएटर तो नहीं होगा। वेल फ्रेंड्स, बैंगलोर की यही खासियत है कि यहाँ पर थिएटर्स बहुत ही बड़े और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मेरे ऐसे फिल्म बफ के लिए तो ये सीरियसली बोल रहा हूँ एक पैराडाइज की तरह है। यहाँ पे फिल्म देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए आइए, हम लोग चाहते हैं जहाँ पे हमें जाना है। वेल फ्रेंड्स, अभी हमें जा रहा हूँ रंगनाथा थिएटर में। ये देख सकता हूँ मेरी मंजिल मुझे रंगनाथा लेके जा रही है। और रंगनाथा थिएटर अंडरग्राउंड लोकेटेड है विनायका के नीचे, और जैसे देख सकते हो यहाँ भी बहुत सारी जगह इन लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया, ऐसे ही खाली छोड़ दिया है। और फ्रेंड्स, ये है इसका पार्किंग लॉट विनायका और रंगनाथा थिएटर का। दोनों थिएटर में गाड़ी और बाइक जितनी भी आपके पास जो व्हीकल्स है वो यहाँ पार्क कर सकते हो। बाइक की पार्किंग सिर्फ 10 रुपये है और गाड़ी की पार्किंग 25 रुपये है। मल्टीप्लेक्स में जाओगे तो बाइक 1 घंटे का 10 रुपये है, तो 20 रुपये 1 घंटे का। यहाँ पे 10 रुपये है, जितना पार्क करना है करो, वो लाल बाइक अपनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं रंगनाथा थिएटर कैसा है। और ये है रंगनाथा थिएटर, अभी अभी AC लगाया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स 4 शो होते हैं, बस विनायका से 15 मिनट थोड़ा आगे रहता है और सिर्फ 80 रुपये टिकट है। और आपको एकदम मल्टीप्लेक्स का फील देती है, लिखा है यहाँ पे पार्क एट योर ओन रिस्क। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत भरोसे वाली जगह है, आप विदाउट टेंशन आ जाइए। वेल, आप लोगों की कंप्लेंट रहेगी कि मैंने अपने आपको व्लॉग में नहीं दिखाया, यू मिस्ड यू। मुझे व्लॉग में आना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं आया हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करें प्राइस टिकट की, सिर्फ 80 रुपये है, जिसका ओरिजिनल रेट सिर्फ 64 रुपीज़ और 70 पैसे है। ओके, SGST है 6 रुपये 15 पैसे और CGST है 6 रुपये 15 पैसे, टोटल 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अभी विनायका और के नीचे वाले थिएटर रंगनाथा के अंदर। देख सकते हो काफ़ी खाली है, संडे के दिन भी कोई नहीं आया यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली यही हाल है सिंगल स्क्रीन थिएटर का। ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, जस्ट सी दिस, कितना अच्छा थिएटर है। फुल्ली एयर कंडीशन, पर्पल कलर का पेंट किया गया है और पूरे सीट्स इसके पुशबैक है। फ्रेंड्स, मुझे पता है ज़मीन पे ग्रेनाइट नहीं है लेकिन चलो वो चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल पिलर्स, पूरा 2K डिजिटल है, ऊपर कितनी अच्छी फ्लोरिंग लगाई हुई है। और ये देख सकते हो अनफॉर्चुनेटली ये खाली पड़ा है, क्यों? क्योंकि आप सब लोग या तो फिर DVD पे फिल्म देख रहे हो या फिर मल्टीप्लेक्स में जाके अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। वेल फ्रेंड्स, सिंगल स्क्रीन आई है क्योंकि यहाँ का भी एक्सपीरियंस अलग होता है। वेल फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रोजेक्टर। ये है नया प्रोजेक्टर और ये है पुराना मैकेनिकल प्रोजेक्टर जिसमें रील लगाई जाती थी, अब तो UFO का ज़माना आ गया है। तो फ्रेंड्स, अभी ये मैं हूँ, पता नहीं मैंने क्या बोला, जाने दो। वो डबिंग बराबर से नहीं हुई इसलिए मैं अपने वॉइस ओवर दे रहा हूँ। वही बता रहा हूँ कि अभी मैं विनायका आया हूँ फिल्म देखने के लिए और मेरे आजू बाजू कोई भी नहीं है। अफसोस, यही अफसोस जता रहा हूँ।
तो फ्रेंड अभी जैसे देख सकते हो किस तरह से हमारे जावेद अख्तर साहब का डॉक्टर ऑर्थो ऐड आ रहा है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स स्क्रीन इज़ फैंटास्टिक, एकदम कर्वी स्क्रीन है, एकदम मल्टीप्लेक्स की तरह स्क्रीन है, बहुत बेहतरीन, काबिल तारीफ। अभी इंटरवल हुआ है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो बेचारे कोई नहीं है, सिर्फ दो दोस्त आए हैं। और इसे देख कर बस मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे भाई, कहाँ गई ऑडियंस। वेल फ्रेंड्स इंटरवल की बात करते हैं, फ्रेंड इंटरवल पॉपकॉर्न सिर्फ 20 रुपये का है, ताकि PVR पॉपकॉर्न 200 का, मुझे पता है उतना तो पॉपकॉर्न नहीं है लेकिन काफ़ी है आपको खाने के लिए। और कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 20 रुपये का है, उसकी पोजीशन पर ध्यान मत दीजिए। तो गाइस आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो। अब ये थिएटर आना है तो आना कैसे है। वेल फ्रेंड्स ये बहुत ही मशहूर मैसूर रोड है, यहाँ पर जैसे देख सकते हो मैसूर रोड से आपको सीधा जाना है, बस मजेस्टिक के थोड़ा पहले ये दो थिएटर पड़ते हैं, विनायका और रंगनाथा। आशा करता हूँ आपका व्लॉग पसंद आया हो। आपको खाना तो नहीं दिखा सकता, मैं होटल दिखा सकता हूँ आपको। यस फ्रेंड्स ये इम्पीरियल होटल है, अनफॉर्चुनेटली मैंने गोरिल्ला पॉड माइक नहीं लाया इसलिए हेडफोन से बात करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का एपिसोड पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़िमिया अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन अदर एपिसोड, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। चलो आप लोगों को निराश नहीं करूंगा, खाने में मैंने लिया था चिकन बिरयानी, इसे देख सकते हो चिकन बिरयानी है, कचुंबर है, सालन है और एक चिकन शावरमा। एंड एज ऑलवेज से फिकर मत करो, बोलूंगा स्टे कूल मैन।